फर्नीचर की मेजरमेंट सुनी है कुछ, तो वो लोग आ रहे हैं। देखो नीचे शलवार पहनी है, ऊपर ये बाबू भाई का स्टाइल है। यहाँ बेड नहीं, आप कॉम्पैक्ट हो जाते थे, ये अलग बेडरूम हो। हाँ जी इसकी बुड्ढी गई है, उनके को पूछो। करीब को लगे कि इकरा कवल सिर्फ मेरे लिए चॉकलेट लाई है और कुछ भी नहीं खरीदा। 3, 2, 1 लेकिन आपको पता है कि आज का दिन जो है वो मेरा मेरे घर पे गुजरा है। कल हम लोग आ गए थे खैर खैरियत से वापस पाकिस्तान, और आज आके एकदम से स्टार्ट हो जाता है हमारे ऊपर काम का प्रेशर, क्योंकि हमारी शादी आने वाली है और बस उसकी तैयारियों में थोड़ा सा टाइम रह गया हमारे पास। जितना कम टाइम उतनी ज्यादा यू नो सरदर्द। लेकिन मेरी सरदर्द आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करके खत्म कर सकते हैं। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कॉमेंट करें एंड बेल आइकन को दबाना आप लोगों ने बिल्कुल नहीं भूलना। और आपको पता है ना यार कि शादी की तैयारियां, तो घर का फर्नीचर के लिए हम लोग एक जगह गए थे, तो वहां पे उनकी मेजरमेंट सुनी है कुछ, तो वो लोग आ रहे हैं, तो उसके लिए भी मुझे निकलना है। और सुबह सुबह रीप साहब 9 बजे से उठे हैं, उन्होंने मुझे कॉल की है 2 बार कॉल की है, मैंने नहीं उठाई क्योंकि मैं तब बेहोश हूँ की तरह सो रही थी कि मेरी तो नींद ही मतलब खुली नहीं बिल्कुल भी। तो मैं थोड़ा सा लेट उठी हूँ और मुझे पता है कि काफी लेट हो गई हूँ। मैं नीचे जाऊंगी, सुकून से जाऊंगी क्योंकि मुझे पता है कि रीप साहब अभी थोड़ी देर में यहाँ पहुंचने वाले होंगे। अभी लेट्स गो होते हैं, नीचे चलते हैं। जी गाइस, अरीब साहब भी आ चुके हैं, बहुत वेट करवाया है। एक गाड़ी आगे से आती है, एक गाड़ी पीछे से आती है, मेरी वजह से लेट हो गए हैं क्योंकि मैं थोड़ा लेट उठी थी, मैं थकी भी बहुत ज्यादा थी। उधर से पापा जा रहे हैं, वो अरीब साहब पीछे मुड़े जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। काम काम काम, सिर्फ काम, आपके साथ काम, कायदे आजम वाले काम। हाँ जी, पीछे गाड़ी आ गई। ओए चले अब निकलते हैं। चलो जी गाइस, अब हम लोग जो है वो निकलने लगे। मेरी आवाज से आपको लग रहा होगा कि मैं कितना थकी हुई हूँ, लेकिन फिर भी यू नो शादी सर पे है। दुबई शादी सर पे, काम मजार काम, दुबई में फोन अरीब को बहुत कॉल्स आ रही है इस वक्त। अब हम लोग यहाँ से सीधा जा रहे हैं, फर्नीचर वाले हमारे घर पे आ चुके हैं, हम जा रहे हैं अपने घर पे, अपने घर की तरफ। वहाँ पे हम लोगों ने मेजरमेंट देनी है, वो सारी चीजें मैं आपको दिखाऊंगी क्योंकि आपको पता है कि आपने एक पिछला ब्लॉग देखा होगा जहाँ पे हमारा फर्नीचर जो है वो हम पसंद करने गए थे, तो बेसिकली हमने उनसे डन कर लिया था और अब उनको हमने अपने घर की मेजरमेंट देनी है ताकि उसके अकॉर्डिंगली कस्टमाइज फर्नीचर बना के वो दे सके। अभी चलते हैं, फिर आपको दिखाते हैं मसरूफियात हमारी। ये कौन आ गया? अच्छा वालेकुम। देखो नीचे शलवार पहनी है, ऊपर ये बाबू भाई का स्टाइल है। बाबू भाई का हाँ, ये बाबू भाई हमारे घर पे क्या कर रहा है? ये हमारे घर नहीं रहेगा, आप नीचे ये बाबू भाई ये अच्छा जा रही हूँ भाई। हाँ। हम लोग आ गए गाइस फाइनली मेरे घर पे, यहाँ पे हम लोग मेजरमेंट्स कर रहे हैं। टीम सारी पहुंच चुकी है और वो भी अपने हिसाब से पिक्चर्स वगैरह ले रहे हैं, मेजरमेंट करके फिर चीजें फाइनल करते हैं। कहाँ क्या क्या रखना है ये हम आपको बताएंगे, दिखाएंगे। ये वो लोग बताएंगे हमें, हम नहीं बताएंगे। हम नहीं वो बताएंगे। ये हमने बनाना था अपना बेडरूम और यहाँ पे वो लोग मेजरमेंट्स कर रहे हैं। अरे वो ये कह रहे हैं कि यहाँ पे होएगा, यहाँ बेड नहीं, आप कॉम्पैक्ट हो जाते थे, ये अलग बेडरूम हो। हाँ जी, हम ये चाहते थे, लेकिन ये वो सजेस्ट कर रहे हैं कि ये बेडरूम होना चाहिए क्योंकि ये जरा थोड़ा सा वाइड है। आई एम क्वाइट कंफ्यूज, व्हाट शुड आई डू नाउ, कि इसको हम वॉकिंग वार्डरोब बना रहे हैं। वैसे एक बात बोलूं अरीब, हम अगर इसको वार्डरोब करते हैं तो हमारे पास वार्डरोब का मार्जिन अच्छा निकल आएगा, स्पेस अच्छी निकल आएगी फॉर द वार्डरोब। वार्डरोब के लिए आपके पास अच्छी स्पेस बन सकती है, अच्छी निकल आएगी ना, ज्यादा अच्छी हो जाएगी। अच्छा, इसमें यहाँ पे भी बन जाएंगी, वहाँ पे भी बन जाएंगी, यहाँ पे भी बीच में हम प्रॉपर एक और ये होगा भी साइड पर। अरीब आपकी क्या अरीब जो तुम कहो मुझे नहीं पता। कुछ सजेस्ट करें, आपने भी रहना था साथ में। ठीक है, उसका वॉशरूम बड़ा है, इसका वॉशरूम छोटा है, इसका वॉशरूम बड़ा, बस ये फर्क है। मैं आपको बताता हूं, आपका वार्डरोब भी यहीं पे होगा ना, सो यू कैन यूज दिस वॉशरूम इफ यू लाइक इट। वैसे हमने जो बेड सोचा हुआ था वो डार्क ही था, जो मैंने डार्क किस रूम के लिए सोचा था, उस रूम के लिए आप किसी भी कलर में जा सकते हैं। सनलाइट सन एक्सपोजर ज्यादा, तो आई थिंक अब हमें अपना कोई प्लान चेंज, क्या प्लान बनता है मैं आपको बाद में बताती हूँ, पहले हम जरा डिस्कस कर लें। चलिए जी, हमारी चीजें, हमारे डिसीजंस फाइनल हो गए हैं, टीम ने बहुत कोऑपरेट किया है, बड़ी चीजें उखेड़ेंगे, बड़ी उधेड़ेंगे, फिर जाके कुछ ना कुछ निकलेगा, रेडी होएगा।
अभी हमने मेजरमेंट्स दे दिए हैं अपने फर्नीचर के लिए, अपने सोफा सेट के लिए, बेडरूम के लिए, वार्डरोब के लिए, ऑफिस के लिए, हर चीज के लिए मेजरमेंट्स हो गई हैं। बट लेट्स सी कि हमें टाइमली चीजें क्या क्या प्रोवाइड कर देंगे, क्या क्या नहीं करेंगे। अभी अरीब साहब ऊपर लाइट्स बंद कर रहे हैं और टीम को हम बोलते हैं गुड बाय। ओके गाइज, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, सी यू सून। बस मुझे कल डिजाइन भेज दीजिएगा, ठीक है? थैंक यू सो मच, थैंक यू। चलें जी गाइज, हम लोगों ने जो है वो घर शर की सेटिंग कर ली थी अपनी, जो भी हमारी डन हुई है। लेकिन ये काका मेरे जाने का टाइम हुआ, मेरी गोदी चढ़ के बैठ गए, बिस्किट खा के, चाय पी के, शक्ल पे उसके देखें कैसे लालच टपक रहा है। अभी बस हम जाने लगेंगे तो ये बहुत रोएगा कि चाची मुझे साथ लेके जाओ, मिठू अपनी मम्मी के पास जा रहा है और हम निकलने लगे। अभी मिठू की एकदम से आपको रोने की आवाज शायद सुनाई दे, एकदम से करेगा टांटा बाई, और मेरा बेबी रोना नहीं है, रो पड़ा बेचारा। मुझे बड़ा दुख होता है, मुझे ऐसे बच्चों को छोड़ा नहीं जाता, वो बेचारा ऐसे कर रहा है। हम लोग अपने घर की चीजों से हो गए थे फ्री, जो हम लोगों ने फर्नीचर हो गए हैं। अभी तो इतनी चीजें पड़ी हैं, अभी हैंडल लेने हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स लेनी है, चीजें लेनी है, वो लोग कब लेनी है? अरीब का हैंडल कौन है? इतनी चीजें लेनी है, मेरा सर दर्द हो रहा है, इतने काम है, तो पैनिक करना स्टार्ट हो गई। मुझे सोच में आ रहा है कि जो 4 दिन का गैप था, ऐसे लग रहा है कि बहुत टाइम जाया हो गया, अब बस काम नहीं, बस हो जाएगा, कल जाएंगे, अब बाकी चीजें करेंगे, ठीक है? तो अभी घर चलते हैं और मेरे पास है आपके लिए एक सरप्राइज। क्या सरप्राइज? क्यों अभी बता दूं? घर चलेंगे तो बताऊंगी। क्यों बता दो? अभी क्यों बताऊं? गेस करें क्या हो सकता है। गिफ्ट लाई होगी तो देखा जरा, कोई नहीं गिफ्ट लाई, ऐसी लोगों की फहमी होती रहती है। मैं गिफ्ट लाई हूँ, मैंने कहा था कि कल दूंगी, मैंने आपको लारा लगाया था। रीब सरप्राइज आपके लिए ये है कि आपको शादी के कपड़ों की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अपने सारे बना लिए, अभी मेरे इतने भी कुछ डिसाइड ही नहीं हो रहा। अरे डिसाइड कर लिया मैंने, सिर्फ मेजरमेंट्स आपकी मुझे चाहिए एक दफा अगेन, जो मैंने सेंड करनी है किसी को, तो मुझे बस वो दे देना, ठीक है? चले जी आगे हमारा घर, थोड़ी देर में घर पहुंचते हैं और फिर अरीब को देते हैं एक प्यारा सा सरप्राइज। A few moments later. So guys, अब हम लोग पहुंच चुके हैं घर। ओए राबिया आ गई है, इसको फिर से डराती हूँ, रुक कर जरा। ये जो राबिया है ना, राबिया ये अभी आई है, ठीक है? अब आज डराएंगे वापस। किया तुमने मुझे, क्या गई हुई थी मैंने राधा को, 3 दिन बड़ा मिस किया मैं, आज वो वापस अपनी उस पे आई हूँ। इतने दिन से मैं घर खुली खुली भागती भागती आती थी, कोई होता ही नहीं था घर। अब डर मेरे से, मेरे अजब से लड़के मम्मा डराना उसका पैशन बन चुका है। हाँ राधा को प्रैंक करना मेरा पैशन। अरीब पहले से ही आके बैठे हैं। अरीब को मैंने इसलिए बिठाया कि अरीब को एक देना है सरप्राइज। अब गेस कर, मैंने कल पूछा नहीं, मैं तो अरीब के लिए भी कुछ नहीं लाई। तो आप सबको ये क्यों लग रहा है कि मैं आप लोगों के लिए दुबई से कुछ लाई हूं? अपनी बहनों के लिए कुछ नहीं, दो दिन आए उससे पूछो, उसकी बुड्ढी गई है उनके को पूछो, उन्हें 4 दिन एंजॉय नहीं नहीं उन्हें 4 दिन एंजॉय किया, आजादी च गुजारे ने या 4 दिन अफसरदा गुजरे ने? ऐसी ये ब्लॉग से पता लगेगा। एक बात 500 बड़ी पूछती है, दिल नहीं जाता। मेरी आवाम कहती है कि ऐसा ना कहा करें क्राफ्टी को, ऐसा ना कहा। मुझे अच्छा लगता है, मैं बार बार ही सुनूं किसी ने मुझे मिस किया। हर कोई तो नहीं ये बात बोलता ना, अपने हस्बैंड से आप एक्सपेक्ट करते हो। मैंने तुम्हें मिस किया एक बार। मैंने भी किया, मैंने वहां जाके दुबई में ऐसे ऐसे जाके मैंने गाना डेडिकेट किया, देखा था। सारी शहर की देख ली इसकी खुशियां। दे दो, मैं वैसे गाइस चॉकलेट्स लेकर आई हूँ और अरीब के लिए एक सरप्राइज, वो अभी मैं अरीब को देने वाली हूँ, ठीक है? मेरे लिए सरप्राइज चॉकलेट तो सारी हमने खा ली हैं। क्या मतलब? रात को मैंने भी पैकेट खोल के रखा है, क्या खा ली हमने सारी? हाँ कोई अरीब के लिए कुछ नहीं बचा। कोई बात नहीं। अरीब पे देखो क्या नहीं लागे। मैं थोड़ी देर में ऊपर से नीचे आती हूँ, ठीक है? अंदर की लाग रही हो वो, देखो चेंज करके आई है, उसके अंदर तो नहीं लाग रही। दस्ती चेंज किया उसने, है ना? देखो उसकी स्पीड चेक करो। और वो देखो सो के आया। हाय अल्लाह जिन बाबा, मानो तेरी ब्रेसलेट लोगों को बहुत पसंद आई है। ये तुम क्या माया लिखा है? कौन है माया? व्हाट इज दिस? या अल्लाह चेक करो।
चले जी मैं बस थोड़ी देर में, मैं अरीब थोड़ी देर में आ रही हूँ, आप बैठ रहे ठीक है, मैं आ रही हूँ। मैं जा रही हूँ ऊपर, जो मैंने अरीब के लिए और फैमिली के लिए चीजें ली हैं वो, क्योंकि मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं था, जितना मैंने कोशिश की है ना उस हिसाब से बनाने की और रखने की वो मैं आपको दिखा देती हूँ मेरी कोशिश। आई शिट 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 शिट, ओ माय गॉड, मेरा नाखून टूट गया और इतना बुरा लगा, उफ, ये तकलीफ का आप अंदाजा लगा सकते हैं इस तकलीफ का, और मेरा पैर इस वक्त बहुत बुरा दर्द कर रहा है। गिफ्ट दिखाने लगी थी, उफ, दिखा देती हूँ। मैंने लिए ये चॉकलेट्स, कुछ ये अरीब की फेवरेट है, ये मैंने कुछ चीज़ें भाभी के लिए, अरीब की भाभी के लिए, अरीब की सिस्टर्स के लिए लिया ये वैसे मैंने, और एक मैंने लिया ये अरीब के लिए वॉच, ठीक है। मुझे पता है अरीब को वॉचेस का बहुत शौक था और उसको ना वैसे जी शॉक पसंद है, वो पहनता है, लेकिन मैंने कहा कि वो तो उसके पास ऑलरेडी है, तो मैंने ये वाली वॉच खरीदी अरीब के लिए। कितनी प्यारी लगी मुझे, क्योंकि अरीब ने कभी ब्लू कलर पहना नहीं है। मुझे बेसिकली ना इसका स्ट्रैप बहुत अच्छा लगा, ये देखें। मुझे कमेंट में बताएं कि क्या अरीब को ये पसंद आएगी या नहीं, और ये कैसी है, क्योंकि ब्लैक और ये हर जगह पहनता है, ये कलर नहीं पहनता, अगर शादी भी है तो ये अच्छा लगेगा। तो जी ये हम मैंने पूरी चीज़ें प्रिपेयर करी हुई थी, अब ये मुझसे एडजस्टमेंट नहीं हो रही क्योंकि टोकरी मुझे ना कोई बड़ी मिली नहीं है ऐसे, ताकि अरीब को लगे कि इकरा कवल सिर्फ मेरे लिए चॉकलेट लाई है और कुछ भी नहीं खरीदा। ओए होए होए होए, तो हमने ये पैकेट पकड़ लिया है जो बनाया था, हम चलते हैं नीचे। चलें जी। वाह भाई वाह, ये क्या है? ये अरीब का गिफ्ट है। मैं मजाक कर रहा था तुमसे, ये तुम इतनी ज्यादा चीजें लेके आ, ज्यादा तो नहीं अरीब, मेरे पास टाइम नहीं था खरीदने का, मैंने इसलिए थोड़ी सी चीजें ली हैं। मैं जेन्युइन मजाक कर रहा था, कोई जरूरत ही नहीं, तुम पागल हो। क्या मतलब मैं पागल हूँ, मैंने अपने हस्बैंड के लिए चीजें खरीदी, पूरा बॉक्सेस खोल के देखे ना, जैसे खाली सिर्फ चॉकलेट सी अच्छी लगी, मैं वही लेकर आई हूँ। पता था लेके तो कुछ आई होगी, मुझे पता था। कितने चलाक हो, तुम आ गई मेरे लिए, यही काफी था यार। डायलॉग चेक करो इस लड़के के, यार इस लड़के के सिर्फ और सिर्फ डायलॉग चेक करो, ये आपको पसंद है, ये पसंद है, ये आपकी फेवरेट थी। वाह भाई, ये मैं जुहान के बाबा के लिए लाई, ये तो परफ्यूम आ गया ना मेरा फेवरेट। वाह ये क्या है, ये असल क्वेश्चन, अरे ये मेरा भी यही है कि क्या ये आपको अच्छा लगता है या नहीं। ये है तो वॉच, हाँ। अब बात ये कि मेरे टाइप की वॉच है कि नहीं, मुझे असल क्वेश्चन ये यार, अरे पता है मैं इतनी कंफ्यूज हूँ, मैं लोगों से ये पूछूं, मैंने लोगों को दिखा दी हुई है। तो आप करते हैं चेक इसको, हाँ। कि मेरी पसंद की है अभी कि नहीं। 3 2 वाह माशाल्लाह माशाल्लाह, एडीज लिखे हुए, वो मेरे पास ये वाला डायल नहीं है, नहीं है ना। मुझे पता है, मुझे इतना अजीब लग रहा था, मुझे पसंद है लड़कों पे बड़े, मुझे जो पसंद है बड़े बड़े डायल हों, जरा स्क्वायर शेप पसंद है, अच्छी लगी है, कलर प्यारा, यानी कि कलर आपके पास है नहीं था, ये वाला मेरे पास, ये वाला सोफे के साथ कटिया कीज है, बहुत अच्छा लग रहा है यार। थैंक यू सो मच, मुझे बहुत अच्छी लगा गिफ्ट, थैंक यू सो मच। जिसने कहीं नहीं सिलेक्ट नहीं किया, मैंने भी पीछे मदद कराई है। मैं भी कुछ ले लो ले लो ले लो, क्योंकि ना हमने वहाँ से ना पापा के लिए भी कुछ चीजें लेनी थी, तो मामा के लिए भी लेनी थी, हम अपनी फैमिली को, मैंने एकदम का, मैंने कहा मैं मुझे एयरपोर्ट पे समझ ना आया अरीब के लिए मैं क्या लूं। मेरी बहुत अच्छी लगी है। इधर आओ, अरीब का गिफ्ट तो देखो तुम, वो तुम्हारा अरीब का एक ही है, जब गाड़ी चाहिए वो अरीब से ले, ठीक है। एक्सेप्ट नहीं, तेरे लिए भी नूडल्स लाई हूँ यार, बस मैंने आपको ब्रेसलेट दिया और मेरे लिए आप वैसे नूडल्स लाई उठा, बातें कर रहा है, उसके लिए कोई अच्छा लेके आना चाहिए। हम लोग जब मेरा गिफ्ट तो भाई बहुत अच्छा है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा है, मुझे तो बहुत अच्छी लगी है, अच्छी प्यारी है, प्यारी चॉइस है ना, बहुत अच्छी है। मेरा गिफ्ट खबर आ रही है, आपने कहा बैंगन, इधर आ बैंगन, इधर आ, इधर बात, उसको गिफ्ट दो यार। अरीब हम इकट्ठे जाएंगे तब खरीदेंगे ना सबके लिए। ये सारी चॉकलेट्स जो आपकी हैं वो आपने खानी है, जो भाई भाभी के लिए चीजें दी हैं वो उन तक पहुंचानी है, जो बहनों के लिए चीजें दी हैं वो उन तक पहुंचानी है, ओके। नो हेरा फेरी, ये ज़ैनब नहीं बनना बिल्कुल भी, उनकी चॉकलेट्स खुद नहीं खानी, सही है। चलें जी गाइस, फाइनली अरीब को एक गिफ्ट पसंद आया। अपने लिए क्या लेके आई, अपने लिए कुछ नहीं लिया, वहाँ से अपने लिए कोई शॉपिंग नहीं की मैंने, ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं देखा था ग्लोबल विलेज में, कहती मेरा दिल चाह रहा मैं ये भी ले लूं, मैं ये भी ले लूं, हां एक चीज लिया, एक चीज लिया, एक चीज लिया, ये पुड़िया है, पुड़िया इसमें गोल्ड की चीज है एक अदद, ठीक है, उसमें से आपने गेस करना है कि वो मैंने क्यों लिया, क्या लिया मैंने, बोला खोलने लगा, ये सोने की कोई चीज लिया तुमने, सोने की नहीं है ये, 18 लिखा हुआ है। तुम्हें किसने कहा स्पॉइलर होने को, मुझे नजर आ गया लिखा हुआ, मुझे भी नजर आ गया, ए लिखा हुआ है, ए फॉर अरीब,
ए फॉर एप्पल, ए फॉर एप्पल, एप्पल ऑफ माय आई, लग रहा है ना, बहुत प्यारा है। ए फॉर अज़रा होता है, ये अज़रा का ऐसे कैसे अच्छा ऐसे मेरा परमानेंट ऐसा लगे ऐसे तुम्हारे लिए ही बना ये ए। ये ए मेरे लिए ही बना था ऐसा लग रहा है ना, अच्छा लग रहा है ना, बहुत अच्छा। तो मैंने अपने लिए सिर्फ ये खरीदा है, चॉकलेट खा लिया, मैंने अपना सेट कर लिया सारा ताम जाम और अब मैं निकलने लगा हूँ। ठीक है, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच गिफ्ट के लिए, बहुत अच्छे लगे मुझे सारी स्पेशली खरीदी, बहुत अच्छी लगी, संभाल के रख लिया मैंने, नहीं है ना कहीं भी अच्छी जगह पहनेंगे। ये कुछ चॉकलेट है, ये दो मेरी बिल्ली के लिए। ठीक है ठीक है, ये भी रख दिया, ये भी बिल्ली के लिए। तो जी गाइस कुछ खाना शाना खाया, मैंने कुछ बबल शबल खाई है। ये देखें ये घर का कचरा आपको मैं दिखा दूं, ये जो सारी चीजें ना यहाँ पे कचरा कचरा हुआ पड़ा है, ये देखें कितना कचरा पड़ा हुआ घर में। गैस मेरे घर में ना इस वक्त सब सो चुके हैं, ठीक है, मेरी मम्मा सोई हुई उठ के बाहर आई है। ये शोर की सर रबा को आगे कहती है, रबा तू किन नाम गल्ला कर रही है अद्धी रात को, सारी आवाज उधर आ रही है, रबा तुम किससे बातें कर रही थी? मम्मा कह रही किससे बातें कर रही थी, मैंने कहा आप ही से कर रही थी, मैं शक करने में आ जाती है साथ ही, सारी बातें तेरी बार आ रही किस बातें कर रही थी। एक बहन मेरी इधर सोई हुई है और एक बहन मेरे से बातें कर रही थी, एक्चुअली ये ना मेरे साथ एक वीडियो शेयर की है इसने, ये मुझे उस पर हंसा रही थी और हम दोनों पागलों की तरह हंस रहे थे। कल आके करेंगे मम्मी नाश्ता, अभी आज तो हम फिलहाल लाइट्स वगैरह सब बंद करते हैं और चलते हैं अपने कमरे में, कमरे को जिसको मैंने बहुत मिस किया गाइस। इंशाल्लाह आप लोग से मेरी मुलाकात होगी अगले व्लॉग में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, स्पेशली मुझे अपनी दुआओं में, और क्या क्या चीज़ें और होनी चाहिए शादी में ये भी आपने मुझे बताना है। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।